रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल 2021 के छठे मुकाबले में विराट कोहली की आरसीबी ने 6 रन से रोमांचक जीत हासिल की। एक समय हैदराबाद जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी। बैंगलोर और हैदराबाद के बीच खेला गया ये मुकाबला हाई वोल्टेज रहा और इस मुकाबले के दौरान एक मिस्ट्री गर्ल सोशल मीडिया पर छाई रही, जिनका दिल मनीष पांडे ने तोड़ दिया। दरअसल इस मिस्ट्री गर्ल के मैच के दौरान के एक्सप्रेशंस काफी वायरल हो रहे हैं, जो हैदराबाद की पारी के 17वें ओवर में उस समय देखने को मिले जब जॉनी बेरेस्टो, मनीष पांडे और अब्दुल समद आउट हो गए। उस दौरान इस मिस्ट्री गर्ल के चेहरे पर काफी मायूसी नजर आई। जानिए कौन है ये मिस्ट्री गर्ल। दरअसल ये मिस्ट्री गर्ल सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक कालानिधि मारन की बेटी काव्या मारन है, जो मिस्ट्री गर्ल के रूप में सोशल मीडिया पर छाई रही। इस मिस्ट्री गर्ल की बात करें तो 6 अगस्त 1992 को चेन्नई में जन्मी काव्या राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं। उनके दादा मुरासोली मलान केंद्रीय मंत्री थे। काव्या ने एमबीए की पढ़ाई की है और उनकी रुचि एविएशन और मीडिया सेक्टर में है। फिलहाल वो सन म्यूजिक और सन टीवी के एफएम चैनल देख रही हैं। माना जा रहा है कि भविष्य में पूरे सन बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।